ये कौन से हैं, देसी ही वैसे ही हैं? सेम है दो। कौन से सीर? ब्लैक वाले सीर हैं और वाइट वाले देसी। ये तो कैसे दाना खिला रही है ना। वीडियो बन रहा है। ये देखें जी, आलू बुखारे के लगे हुए हैं ये प्लांट माशाल्लाह। और ये हमारे मस्जिद के नमाजी हैं, ये उनका घर है। और ये लुकाठी भी लगी हुई है, कालीशाहपुर में आए हैं लुकाठी तोड़ने के लिए। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक हो भाजी? खैर आफियत है। ये देखिए माशाल्लाह, ये धनिया लगा हुआ है और ये मिर्ची लगी हुई है। प्याज भी लगी हुई है, देखें लहसुन भी है। भाई सब कहते हैं जी सीढ़ी के बगैर ऊपर चढ़ जाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। आज हम आए हुए हैं जी इधर लुकाठ तोड़ने के लिए। ये देखें जी कारी साहब ऊपर ट्रक के ऊपर चढ़ चुके हैं। ये अंकल का घर है। ये कुछ तोड़ भी ली गई है, देखो तोड़ी भी तोड़ दी। ये देखें ये घर के अंदर सारा ये प्लांट आया हुआ है और ये देखें भरी हुई है माशाल्लाह ये कांटे। ट्राई करते हैं जरा। मीठी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। बंदे तो आपने बनाए थे जी, ये जो बाबड़े ले तारे लाने आस्ते बनाए थे इन्हें? और मैं नहीं बनाया जी। अच्छा, सब ठीक लंबी कहानी। अब ये जो कॉलोनी की जो बिजली है ये भी बाबड़े के अंदर होने जा रही है। पहले है ना किसी डी ए पी के अंडर थी, डी ए पी के अंडर थी, अब डायरेक्ट बाबड़े के अंडर जा रही है। ये अपनी वायर जो है वो सारी लगा रहे हैं और अभी हम इधर तोड़ेंगे जी लुकाठे। ये बैंगन की पनीरी भी लगी हुई है, पुदीना भी है, ये सफ़ेद पुदीना लगा हुआ है माशाल्लाह। ये देखो कितना बड़ा हुआ है। और लुकाठों के पौधे भी हैं साइडों में, देखें बीज गिरते हैं इधर ही लग जाते हैं। अच्छा, जहाँ पे छाँव हैं वो लुकाठें इतनी बड़ी नहीं हुई हैं और जहाँ पे धूप लगती है रही है और लुकाठों का साइज़ भी सही बड़ा हुआ है। ये देखें ये छोटी हैं, ये देखें और अंदर सही माशाल्लाह जहाँ पे धूप पड़ रही है बेहतरीन लुकाठें हुई हैं। धूप का कितना अमल दखल इंसान की ज़िंदगी पे, फिर पौधों पे, हर चीज़ पे। ये देखें कारी साहब, अब क्या करना है जी, लुकाठें तोड़ने भी हैं कि नहीं तोड़नी? अभी थोड़ी ये वाबड़े वाले भी आए हुए हैं, नहीं ये तारे डालते हैं, फिर उसके बाद हम अपने लिए थोड़ी थोड़ी ना तोड़ के ले जाते हैं। ज़्यादा नहीं है, एक एक किलो बस। ज़्यादा नहीं, एक एक किलो काफ़ी। लेकिन वो मीठी वाली, मीठी वाली हाँ, ये वाली ये नहीं, मज़े की नहीं है। ये देखें छोटी हैं, ये फीकी है, जिस तरह चाय फीकी है। सही बात है, फीकी का मज़ा नहीं है, चाय भी छोटी है साइज़ में। ये देखें ना, धूप इधर नहीं पड़ी और ये इसका फल फूल ही नहीं है सही। कितना खूबसूरत आवाज़ है, कितनी प्यारी आवाज़ है कारी साहब, अल्लाह की शान। देखें ना ये बाबड़े बड़े, जैसे ये आगे हो गए जी उसके बाद फिर हम तोड़ना शुरू करेंगे। अब ये कनेक्शन दे रहे हैं और नए मीटर लगा रहे हैं। सारी जो बिजली है कॉलोनी की वो अपने के अंडर हो रही है, हमारी तो ऑलरेडी हो चुकी है हाउसिंग कॉलोनी की।
आम पे बूर भी आए हुए हैं, देखें माशाल्लाह। कारी साहब कह रहे हैं बड़े बड़े आम लगते हैं, क्यों जी कारी साहब? बिल्कुल, कितना बड़ा प्लांट है ये, एक दाना आधा किलो है ना करें, सही कह रहे हैं कारी साहब? एक दाना आधा किलो, कम से कम आधा किलो। आपने खाए हुए हैं? बिल्कुल खाए हैं। अपने हाथ से तोड़ के खाने का मज़ा ही अपने है जी, ये देखें। वो आपने बड़े जान छोड़ेंगे तो उसके बाद ही कुछ, क्योंकि ऊपर तारें बिछा रहे हैं ऊपर सारी। ये देखें कितना बड़ा बड़ा दाना है माशाल्लाह, भी तोड़ के खा रहे हैं। अभी मैं घर जा रहा हूँ जी, और वो वापडे वाला काफ़ी जो बंदे हैं वो टाइम लगाएंगे, तारें डाल रहे हैं। और फिर कारी साहब को मैंने कहा जी मैं तो जा रहा हूँ, तो आप आ जाना फिर आराम से, मैं आपको गुलाब दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह पिंक वाले कितने खूबसूरत हैं, लाइट पिंक भी हैं और ये डार्क पिंक भी हैं। माशाल्लाह जी, अभी पहले सुर्ख फूलों की बार थी, अभी ये पिंक फूलों की बार है। देखें माशाल्लाह फूल खिल चुके हैं। ये अभी और इतने ज़्यादा निकल नहीं रहे, ये देखें रेड वाले स्लो हैं बहुत ज़्यादा, अब ये सही तेज़ी से निकल रहे हैं माशाल्लाह। अभी टाइम हो गया एक, और नमाज की तैयारी कर ली है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह अजान होने वाली है। अब देखें प्यारी आवाज़ है परिंदे की माशाल्लाह। जितने दरख्त होंगे उतनी ज़्यादा छाँव भी होगी और आबो हवा में भी फ़र्क पड़ेगा। और ये देखें कितना माशाल्लाह खूबसूरत आवाज़ है परिंदे की। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली और असद भाई के घर आ चुके हैं, रोड नंबर 5 पे। ये घर आपको मैंने पहले भी दिखाया था, इसका पूरा काम होता जब ये बन रहा था। तो अभी ये देखें सीलिंग करवाई गई है सारी, हालांकि प्लास्टर करवा चुके थे लेकिन उसके बाद फिर सीलिंग का इनका प्रोग्राम बन गया। तो अभी ये लगे हुए हैं इरफान भाई, कलर वाले चौकाठे जो हैं वो रंग कर रहे हैं, अस्तर मार रहे हैं, और उसके बाद फिर ये पेंट होगा। तो अभी ये जो सीलिंग का काम है ये भी इरफान भाई के पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये फ्रंट की जो ग्रिल है बिल्कुल कवर की गई है, उसको भी ये अस्तर मारा है। ये भी इन्होंने दरवाज़े भी लगा दिए, ये देखें लॉक इन के सारा कुछ माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त। तो ये जो सीलिंग का काम है ये भी इरफान भाई के पास है, सीट भी फिट हो चुकी है, बल्ब सब कुछ लग चुका है। और ये देखें जी ये मीडिया वॉल है, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया, ये देखें। और ये किचन, ये देखिए शैन फिट हो चुका है, ये टाइल लगा दी गई है। ब्लैक कलर की है देखें माशाल्लाह। और अभी ये ग्रिल जो लगी हुई है गैलरी में, इसको कलर हो रहा है, देखें अस्तर कर रहे हैं। तो बाकी सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता करके करते जा रहे हैं, और उसके बाद फिर असद भाई लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये देखें सारा सामान पड़ा हुआ है, और इधर ये देखें ये भी वॉशरूम है, ये स्टोर है, और ये सीलिंग देखें। जब इस पर कलर होगा फिर बड़ी मज़े की लगेगी, फिर भी आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और ये देखें ये ओपन स्पेस है, ऊपर बिल्कुल कवर है, सिक्योरिटी के हिसाब से बिल्कुल देखें बंद है। मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज़ लगी है वो ये देखें लॉक कितने ज़बरदस्त लगवाए हैं, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें ये सारा, ये देखें अच्छी क्वालिटी के लगवाए हैं असद भाई ने, कहते हैं जी एक दफ़ा ही काम हो लेकिन अच्छा हो।
जी मेरा लंच का टाइम हो चुका है और इधर ये देखो ज़बरदस्त किस्म के टींडे बने हुए हैं फ्रेश, साथ में सैलड में खीरे हैं, चपाती है, खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खा लिया था, फिर थोड़ा रेस्ट भी किया है और अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के आया हूँ असर की, और कल फ्राइडे है और कल के लिए अपने कपड़े प्रेस करने लगा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी कपड़े प्रेस कर लिए थे, फिर मैं कारी साहब की तरफ गया था तो कारी साहब थे नहीं, कहीं वॉक करने निकले हुए थे, फिर मैं अपने फ्रेंड की तरफ गया जहाँ पे वो मैंने आपको दिखाया था काम हो रहा है, चुकाठों का कलर हो रहा है, और अभी वापस आ चुका हूँ और अपने लिए मैंने फीका जो है वो कावा बनाया, साथ में ये देखें खजूरें और फीका कावा पीते हैं, खजूरें खाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं।